अर्शदीप ने 20 लाख के दो स्टंप तोड़े, अर्जुन ने फेंका 31 रन का ओवर, डेविड का 114 मीटर लंबा छक्का। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के रोमांचक मुकाबले में पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 13 रन से हरा दिया। शनिवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में अर्शदीप सिंह ने आखिरी ओवर में 16 रन डिफेंड किए। इसी ओवर में उन्होंने 10-10 लाख रुपए की कीमत वाले दो एलईडी स्टंप तोड़े। टीम डेविड ने 114 रन मीटर लंबा छक्का लगाया। सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन ने एक ओवर में 31 रन दिए। सूर्य कुमार यादव फॉर्म में लौटकर 360 डिग्री शॉट्स लगाने लगे। वहीं प्रीति जिंटा और सारा तेंदुलकर मैच देखने पहुंची। सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन ने आईपीएल में मुंबई के लिए लगातार तीसरा मैच खेला। शुरुआती दो ओवरों में कम रन देने के बाद उनका तीसरा ओवर महंगा साबित हुआ। उन्होंने पारी के 16वें ओवर में 31 रन दिए। सैम करन और हरप्रीत भाटिया ने उनके ओवर में 2 छक्के और 4 चौके लगाए। इसके साथ ही उन्होंने आईपीएल के इस सीजन में सबसे महंगा ओवर फेंकने का रिकॉर्ड हासिल किया। उन्होंने गुजरात टाइटंस के यश दयाल की बराबरी की। यश ने कोलकाता के खिलाफ 31 रन ही दिए थे। अर्जुन ने इसी ओवर में हरप्रीत के सिर पर हाई फुल टॉस भी फेंकी, जिसे एम्पायर ने नो बॉल करार दिया। बॉल सीधे हरप्रीत के हेलमेट पर लगी थी। अर्जुन ने अपने स्पेल के दूसरे ओवर में शानदार याकर फेंक कर प्रभसिमरन सिंह को LBW किया था, लेकिन 31 रन देने के बाद उन्होंने अपने 3 ओवर का स्पेल 48 रन देकर खत्म किया।